हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, आल्सो रिलेटेड विद कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड कोलराज प्रिंसिपल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच इज रिलेटेड फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.8. द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोल के सी एल एट 298 केल्विन इज 0.02486 सीमेंस सेंटीमीटर यूनिवर्स. कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी. स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट द मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपान एम मीन्स मोल. गिवेन वैल्यू ऑफ कापा इक्वल टू 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर यूनिवर्स एंड एम इक्वल टू 0.2. वी पुट ऑल वैल्यूज 0.0248 into 1000 upon 0.2. So the value of molar conductivity is 124 siemens centimeter square mole inverse. Okay students, in next question, the resistance of conductivity cell containing 0.001 mole KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if the conductivity of 0.001 mole KCl solution at 298 Kelvin, okay students, is 0.146 into 10⁻³ siemens centimeter inverse. Exercise 3.9 है ये NCERT book का. अब देखिए, हमको पता है specific conductance means क्या होता है. Specific conductance equal to conductance into cell constant means kappa equal to 1 upon R into G equal to क्या हो जाएगा 0.146 into 10⁻³ इक्वल टू 1/1500 इंटू जी इनवर्स. तो सेल कांस्टेंट जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.219 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम एनसीईआरटी इंडेक्स 3.8. सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ वाटर. वाटर की वैल्यू अगर निकालना है आपको, मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, आपको बताया गया था कोलराज लॉ में, मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल आयंस. तो H2O में कौन कौन से आयन होते हैं, H+ और OH-. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O क्या हो जाएगा, सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ H+ प्लस OH- या लैम्डा H+ OH- या H+ मिलता कहाँ है, एसिड से. या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH- NaCl. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2+/Mg. NCERT इंडेक्स 3.1 है. देखिए, सेल का रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था, रिप्रेजेंट करते हैं सेल को Mg solid/Mg2+ 1 mole सोल्यूशन में, डबल स्लैश फॉर साल्ट ब्रीज. फिर क्या आपका लिखेंगे, H+ आपका है 1 mole के लिए, /H2 इन गैसियस एट 1 atmospheric प्रेशर विथ PT इलेक्ट्रोड. आपको बताया गया था ये फार्मूला आपका सोल्यूशन फेज के लिए है. वैल्यू आप रख देंगे E0 सेल इक्वल टू E0H+/H2 - E0Mg2+/Mg. वैल्यू क्या आ गया, E0Mg2+/Mg इक्वल टू -E0 सेल. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक. इन नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न डिफरेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विथ नेक्स्ट इक्वेशन एंड अदर. थैंक यू.